आगे बात रुख करते हैं सांचौर का, जहां को जिस जिले को यथावत रखने की मांग को लेकर पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई के नेतृत्व में धरना जारी है। इस धरने में बागौड़ा सहित सरनाओ पंचायत समिति की 10 ग्राम पंचायतों से सैकड़ों लोग पहुंचे। वहीं बार एसोसिएशन ने मौन जुलूस निकालकर आक्रोश भी जताया। कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन के बाद लोगों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन भी सौंपा। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता श्याम बिश्नोई ने पूर्व राज्य मंत्री से बातचीत की। सांचौर जिले को यथावत रखने को लेकर सांचौर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर आज छठे दिन भी लगातार धरना प्रदर्शन है वो जारी है। पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई के नेतृत्व के अंदर लगातार धरना प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। यहाँ पर अलग अलग पंचायत समितियों की क्षेत्र से आने वाली ग्राम पंचायतों से लोगों की भीड़ है वो लगातार जुट रही है और अलग अलग गांव से यानी कि 10-10 ग्राम पंचायतों से लोग पहुंच रहे हैं। नगर परिषद क्षेत्र से 2 वार्डों से लोग पहुंच रहे हैं। लगातार यहां पर जो है आंदोलन किया जा रहा है। सांचौर से जिस तरीके से सांचौर जिले को बचाने की जो मुहिम है वो आज छठा दिन है। हालांकि पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने इसकी शुरुआत है वो आमरण अनशन से की थी, लेकिन लोगों की डिमांड और उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट के चलते आमरण अनशन खत्म कर दिया। लेकिन धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। इन लोगों का साफ तौर से ये अल्टीमेटम है कि जब तक सरकार की ओर से कोई स्पष्ट मैसेज नहीं आता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई है, साथ ही यहाँ पर मौजूद लोग हैं उनसे बात करेंगे। आज छठा दिन है, किस तरीके की रणनीतियाँ रहेगी और आगे की क्या रणनीति रहेगी? सरकार की ओर से किसी तरीके का कोई मैसेज नहीं, साथ ही कल जोगाराम पटेल ने जिस तरीके से बयान दिया है कि अनैतिक तरीके से सुखराम बिश्नोई ने मंत्री रहते हुए जो है इसका दुरुपयोग करके पद का जिला बनाया, क्या कहेंगे? देखो, जिला लाना कोई अनैतिक काम नहीं है। अनैतिक गलत काम तो तेने तेरे बेटे को डबल एजी लगाया वो गलत थे, लगाया फिर दूसरे दिन हटाया, आपने काम गलत किया। हमने तो जिला है तो बढ़िया काम है, आप ही जिले ले जाओ लूणी को, हम कौन मना करते हैं। जहाँ तक रणनीति का सवाल है, हमने बकायदा पंचायत 11 तारीख तक रणनीति बनाई है, क्योंकि 8 तारीख को हरियाणा और कश्मीर के चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। हो सकता है 9-10 को मिट्टी रख दे, कोई फैसला हो जाए तो 11 तक रखिए और बाकी पंचायतें उसके बाद में ऐड की जाएगी। क्योंकि कई पंचायतों के हमारे पास टेलीफोन ऐसा मारो नंबर खद आए, 11 तारीख के बाद में जब पूरी पंचायत होगी तो उस कार्यक्रम वापस रिपीट करेंगे। साथ ही कल हम एक वकील साहब है, सीनियर वकील है, विकास जी करके नाम उनका, उनके पास जाएंगे और पूरी जानकारी लेकर के उसमें कोर्ट में पीआईएल लगती हो तो पीआईएल दर्ज कराएंगे, ताकि हड़ताल के धरने के साथ साथ कोर्ट की कार्रवाई साथ चले तो ये संदेह जाए कि दोनों कार्रवाई साथ चली। इसके साथ साथ जयपुर जाने का प्रोग्राम बनाएंगे। कुल मिलाकर के जो काम जिले को यथावत रखने में बन सके वो काम सभी जनता मिलकर के साथ करेंगे। श्याम बिश्नोई, एनडीटीवी राजस्थान, जालौर।